हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द लेटेस्ट अपडेट ऑफ ये रिश्ता क्या कहलाता का स्पॉइलर अलर्ट लेके मैं आ गई हूँ आपको एंटरटेन करने के पर्पस से। आप तो जानते हैं कि रोहित घर वापस आ जाता है और साथ ही साथ दादी सर रूही को ले आती है, क्योंकि रूही रोहित की पत्नी जो है। और रोहित रूही को देखता है, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा पिघल जाता है और रूही के नेक में हाथ देता है। अंडन उसके बाद याद आता है कि कैसे रूही और अरमान ने उसके साथ विश्वासघात किया था और उसका ये जो प्यार है वो गुस्से में बदल जाता है। अपने आप को बता दूं कि यहाँ पे रोहित ने साफ बोल दिया है कि इस घर पे या तो मैं रहूँगा या तो अरमान रहेगा। इसलिए अपने बेटे के लिए, यानी कि दादी से अपने बेटे के लिए दीपक की वजह से वो जाती है और अरमान को इस घर से चले जाने के लिए बोलती है और अरमान चले जाता है और वो गेस्ट हाउस में रहता है अबीरा के साथ। अबीरा उसका मूड फ्रेश करने के लिए बहुत सारे जोक्स क्रैक्स करती है और उसके साथ काफ़ी हंसी मजाक करती है ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो सके, और डाइवर्ट हो भी जाता है। और जैसे हंसी मजाक करते करते गार्डन एरिया में आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि रूही और जो रोहित है वो सामने खड़े रहते हैं। एंड देन उसके बाद ये सारी चीज़ें देख के अरमान काफ़ी हद तक ज़्यादा उदास हो जाता है और रूम के अंदर चला जाता है वापस। सो गाइज, आपको क्या लगता है कि रोहित क्या करेगा? व्हाट डू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।